इस खबर के प्रायोजक है बेस्ट क्वालिटी केक के लिए फेमस बेकर्स स्प्राइट। स्वागत है आप सभी का सच की आवाज टीवी न्यूज में, मैं हूं मंत्र शास्त्रार। तो चलिए देखते हैं आज की हेडलाइंस। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ताजा तरीन खबरें और लोगों तक भी यूट्यूब के जरिए पहुंच जाएं। भिवंडी की जिलानी इमारत दुर्घटना में 38 मृतक के रिश्तेदारों को महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सहायता निधि से 3 लाख रुपए की मदद का ऐलान। भिवंडी सर एमआईएम के कार्य अध्यक्ष शादाब उस्मानी ने प्रांत कार्यालय में जाकर दिया ज्ञापन। महामारी संकट कोरोना पीरियड में जब स्कूल बंद था तो पूरे साल की फीस क्यों ली जा रही है, इस पर की चर्चा। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बरकरार, सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलाई अधिकारियों और स्वास्थ्य अधिकारियों की इमरजेंसी मीटिंग। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर फिर बढ़ रही है चिंता, पिछले 24 घंटों में मिले 4,787 नए मरीज। महाराष्ट्र के पुणे में महापौर चषक क्रिकेट के मैदान में 47 वर्ष क्रिकेटर का हार्ट अटैक से हुआ निधन। पुलिस ने एक्टर संदीप नाहर की पत्नी और सास के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। रिक्शा चालान काटने पर ट्रैफिक पुलिस की किन्नरों ने की पिटाई, साथ ही वर्दी भी फाड़ दी। मुंबई के उपनगर घाटकोपर के छेड़ा नगर में 4 किन्नर रिक्शा में जा रहे थे, रिक्शे का ही चालान काटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने रोकी रिक्शा, जिस पर गुस्साए किन्नरों ने पुलिस की पिटाई, साथ ही उसकी वर्दी भी फाड़ दी। चारों किन्नरों पर मामला दर्ज। बेकर्स स्प्राइट द केक शॉप, जहां पा सकते हैं चीज एंड मूस केक्स, ब्रेड्स, कुकीज, मफिन्स, वेज नॉन वेज पास्ता, सैंडविचेस, बर्गर, पिज्जा एंड मच मोर। हम देते हैं ताजा और बेहतरीन चीजें और साथ ही होम डिलीवरी की सुविधाएं भी। एड्रेस शॉप नंबर G6 बागे यूसुफ रेसिडेंसी, चाविंदा नाशिक हाईवे, भिवंडी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में इतिहास में पहली बार किसी महिला को दी जाएगी फांसी। शबनम आजाद नाम की महिला पर 7 कत्ल का इल्जाम है। 2008 में अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही घर के 7 सदस्यों को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतारा था। शबनम के माफीनामे को रद्द करते हुए कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को दी जाएगी फांसी। फांसी की तारीख अभी तय नहीं की गई है। बढ़ती महंगाई को देखकर कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के महिला अध्यक्ष के नेतृत्व में थाने कलेक्टर ऑफिस के समक्ष महंगाई के विरोध में निकाला गया मोर्चा। थाने जिला शहर के सभी महिला अध्यक्ष के साथ कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जहां आप देख सकते हैं भिवंडी के कांग्रेस पार्टी की महिला अध्यक्ष रेहाना हिलाल अंसारी भी शामिल हुई। इस मोर्चे में किसानों को भी समर्थन दिया गया। बमबाजी की एक घटना मुर्शिदाबाद में हुई, जहां ममता बनर्जी सरकार के मंत्री जाकिर हुसैन घायल हुए, तो दूसरी घटना कोलकाता में हुई, जहां भाजपा सरकार के नेता शिवाजी सिंह रॉय घायल हो गए। इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के दरमियान एक नए सिरे से घमासान छिड़ गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान का रेल रोको अभियान, देश भर में किसानों ने पटरी पर उतर कर किया प्रदर्शन, पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा असर। बिहार में 20 हथियारबंद डकैतों ने लूटी ट्रेन, एक यात्री के सामान देने से इनकार करने पर डकैतों ने मारी गोली। ईंधन की कीमतों में लगातार 9वें दिन तेजी के बाद देश में पेट्रोल की कीमत बुधवार को पहली मर्तबा 100 रुपए के पार चली गई, जिस पर पीएम मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग को ऐसी कठिनाई नहीं होती यदि पूर्ववर्ती सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। धन्यवाद।